हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ट्रैवल विद स्काय। हाँ, अभी मैं खड़ा हूँ गोवा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे और आज की जो जर्नी है वो है मुंबई से गोवा इन विस्टारा एयरलाइन। तो आज फर्स्ट टाइम एक्चुअली मैं विस्टारा एयरलाइन से ट्रैवल कर रहा हूँ टू मुंबई फ्रॉम गोवा। और एज विस्टारा इज अ फुल सर्विस कैरियर, आज हमें मील सर्व किया जाएगा फ्लाइट में। तो अभी मैंने चेक किया तो फ्लाइट तो ऑन टाइम है, यहाँ से मतलब जो डिपार्ट होगा वो ऑन टाइम ही होगा। तो ओवरऑल हम देखेंगे कि एक्चुअली फर्स्ट टाइम एक्चुअली मैंने बहुत बार विस्टारा से फ्लाई किया है, लेकिन मैंने विस्टारा का ब्रेकफास्ट मैंने ट्राई किया है। तो आज मैं विस्टारा का डिनर में क्या मेन्यू है वो भी आपको दिखाऊँगा और ओवरऑल ऑन टाइम परफॉर्मेंस, क्रू मेम्बर का बिहेवियर कैसा है, अपना चेकिंग प्रोसेस कितने फास्ट होता है, सिक्योरिटी चेकिंग कितने देर में होता है, मैं पूरा आपको डिटेल में शेयर करूँगा। ये है गोवा का इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो कि एक्चुअली ये अभी पुराना एयरपोर्ट है। यहाँ पे आप देख सकते हो ये एरिया का जो नाम है एक्चुअली आता है वास्को में, जो वास्को सिटी है गोवा में, और एयरपोर्ट जो एरिया में आता है वो दाबुलिम है। तो यहाँ पे अगर आप देखते हो तो डिपार्चर के 4 गेट्स है, 1, 2, 3 एंड 4, और अराइवल के 2 गेट हैं। यहाँ पे खासियत है कि यहाँ पे बहुत सारे फॉरेनर आपको दिखेंगे, क्योंकि गोवा वन ऑफ दी फेवरेट इंटरनेशनल टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। और मोस्ट ऑफ दी जो फॉरेनर्स है, मतलब फॉरेनर्स जो भी आते हैं वो मोस्ट प्रोबेबली रशियंस ज़्यादा आते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे अलग अलग जो, जैसे मुंबई में भी मैंने दिखाया था आपको लास्ट वीडियो में, वैसे यहाँ पे भी आप देख सकते हो अलग अलग एयरलाइन के जो डिस्प्ले बोर्ड पे यहाँ पे लिखा है कि आप कहाँ से इजीली आपके मतलब एयरलाइन के काउंटर पे पहुँच सकते हो। यहाँ पे आप देख सकते हो ये D4 में विस्टारा स्पाइस जेट ऐसा लिखा हुआ है। तो जो एयरपोर्ट है ये एक्चुअली डिफेंस बेस एयरपोर्ट है, और अभी रिसेंटली एक नया एयरपोर्ट जो मतलब ऑपरेशन उसका स्टार्ट हो गया है वो है मोपा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो यहाँ से लगभग आप पकड़ लो 50 किलोमीटर डिस्टेंस है। तो ये आप देख सकते हो इसका डिज़ाइन, छोटा सा ये एयरपोर्ट है। फ्रेंड्स, जैसे आप एंटर करते हो ये है चेक इन, मतलब ये है चेक इन गेट जहाँ से आप अंदर जाओगे टूवर्ड्स योर एयरलाइन काउंटर। थोड़ा डिटेल में आपको दिखा रहा हूँ, मतलब जब भी आप आओ तो आपको ज़्यादा परेशानी न, मतलब ज़्यादा परेशानी ना हो पाए, आप इजीली एक्सेस कर सको। एज यू एंटर इन द एयरपोर्ट, तो यहाँ पे देखिए बहुत सारे चेक इन काउंटर्स है। तो क्योंकि मैं आज विस्टारा से फ्लाई कर रहा हूँ, विस्टारा का जो चेक इन काउंटर है इट इज़ फ्रॉम 10 to 16, मतलब 10 to 16 जो काउंटर्स है वो विस्टारा के हैं। आई जस्ट रिसीव माय बोर्डिंग पास एंड लकीली आई रिसीव माय विंडो सीट ऑल्सो, सो दिस इज द वेयर इज द बोर्डिंग चेक इन काउंटर्स। और मेरा ओवरऑल फीडबैक तो मैं बहुत ही अच्छा दूंगा, क्योंकि जो वहाँ पे जो स्टाफ था वहाँ पर पोलाइट था। तो यहाँ से अभी सिक्योरिटी चेक के लिए ऊपर जाना है एयरपोर्ट में, मेरा जो गेट है वो है H, देखते ऊपर जाके आप मेरे सामने देख सकते हो ये है सिक्योरिटी चेकिंग एरिया। यहाँ से मैं अभी सिक्योरिटी चेकिंग करके टूवर्ड्स मेरे बोर्डिंग गेट की तरफ जा रहा हूँ। यहाँ से मैं आगे जाऊँगा टूवर्ड्स माई बोर्डिंग गेट जो कि है H। फर्स्ट लुक व्हेन यू एंटर्स एट बोर्डिंग गेट सेक्शन, यहाँ पे अभी देख सकते हो आप D to E, F to J, मेरा जो है H है, जो कि अगर आपको दिख रहा है तो सबसे लास्ट में, मैं आपको जूम करके दिखा दूँगा, H है वो सबसे वो लास्ट में जो है ये वाला मेरा बोर्डिंग गेट है। यहाँ पे सिटिंग एरिया भी काफ़ी बढ़िया है, बहुत सारे फूड काउंटर्स भी है। वहाँ पे ऑन दैट साइड ABC बोर्डिंग गेट है, आप देख सकते हो मेरा जो फ्लाइट है मुंबई का अभी ये डिस्प्ले पे दिखेगा वो ऑन टाइम ही है। और विस्टारा की एक खासियत है कि इनकी फ्लाइट जो है हमेशा टाइम पे ही रहती है,
कभी भी लेट नहीं होता है। देखिए आप देख सकते हैं मेरा जो 10:45 का फ्लाइट है मुंबई ऑन टाइम है। और एक आपको मज़ेदार चीज़ मैं बताता हूँ, ये जो यहाँ पे आप देख रहे हो ना ड्रिंकिंग वाटर जिसको हिंदी में पीने का पानी, तो ये जो पीवा पाचे उदक यानी पीने का ही पानी, इसका ये गोवन लैंग्वेज में इसका ये प्रोनाउंसिएशन है पीवा पाचे उदक। अभी एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन है कि गोवा जो दाबिलोम एयरपोर्ट है जो पुराना एयरपोर्ट है उस पर लॉन्च है कि नहीं। तो ये लॉन्च है एक्चुअली, ये कोई स्पेसिफिक लॉन्च नहीं है, ये एक रेस्टोरेंट है लेकिन जिसमें आपके क्रेडिट या डेबिट कार्ड पे जो एलिजिबल है उस पर आपको मतलब एक्सेस मिलता है लॉन्च के लिए। ये है गुड टाइम्स बार, ये रेस्टोरेंट कम कैफे कम बार है। और सेकेंड थिंग, यहाँ पे और एक फूड आउटलेट है जिसपे मतलब अगर आपका वीज़ा का कार्ड है तो 2 रुपये और मास्टर कार्ड है तो 25 रुपीज़ में आपको फूड मिलेगा। ये उनका ही मतलब जो मैं पहले आपको रेस्टोरेंट दिखाया उनका ही एक सब्सिडियरी है जहाँ पे आपको 2 रुपये में खाना मिलेगा। यहाँ पे स्पेशली आपको पूरा मील मिलेगा, मतलब पूरा जो मील रहता है पनीर मील या वेज नॉन वेज जो भी है। ये देखिए ये जो है उनका ही सेकंड आउटलेट मुंबई स्टार इन, यहाँ पे भी आपका क्रेडिट डेबिट कार्ड एक्सेप्ट होता है। तो फ्रेंड्स अभी मैं जाऊँगा लॉन्च में जो गुड टाइम्स बार मैंने आपको पहले दिखा है वहाँ का, मैं आपको पूरा कवरेज देता हूँ। ये है यहाँ का लॉन्च, यहाँ पे सामने ये बार सेक्शन है जो कि चार्जेबल है, यहाँ पे बुफे काउंटर लगा हुआ है। और यहाँ पे जैसे लॉन्च में आपको 3 आवर्स का एक्सेस मिलता है, यहाँ पे ओनली 1.5 आवर्स का आपको एक्सेस है बिकॉज ये प्राइवेट रेस्टोरेंट है। यहाँ पे अगर आपको खाली रिलैक्स होना है तो यहाँ पे रिलैक्स हो सकते हो। स्टार्टिंग में ली है एक कैपेचिनो कॉफ़ी जो कि मेरी फेवरेट है, फिर आफ्टर दैट आई विल ट्राई फूड जो मैं आपको सब दिखाऊंगा क्या मेनू में क्या क्या है। जैसे कि मैंने आपको पहले दिखाया ये बार सेक्शन है, अभी ये बुफे काउंटर है उसमें मेनू क्या क्या है। ये दाल शोरबा है, दिस इज सम टाइप ऑफ सैंडविच, दिस इज सलाद सेक्शन, ये स्टीम राइस है, दिस इज दाल, दिस इज मिक्स वेज करी। और खाना काफ़ी फ्रेश लग रहा है, दिस इज कॉटेज चीज़ हॉट गार्लिक, पराठा है, दिस इज नूडल्स, एक खीर है और एक गाजर का हलवा है, दिस इज अगेन बारबेक्यू चिकन सैंडविच, और ये है आंध्रा चिली चिकन, यहाँ पे बिस्लरी सेक्शन है। चलो मैं अभी टेस्ट करूँगा फिर आपको बताता हूँ फूड का रिव्यू कैसा है। अभी मेरा जो पीछे लॉन्च आप देख रहे हो मैंने फूड टेस्ट किया, फूड इज़ क्वाइट डिसेंट बट आप ऐसा नहीं बोल सकते, क्वालिटी बहुत एक्सेलेंट है, ठीक ठाक क्वालिटी है, अगर आपको भूख लगी है तो आप खा सकते हैं। बाकी ओवरऑल क्वालिटी ठीक था, मैंने ओवरऑल टेस्ट किया खाना गर्म था लेकिन क्वालिटी इज़ नॉट अप टू द मार्क, थोड़ा डिसेंट ही था, मतलब आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो ज़्यादा। तो दिस इज़ द लॉन्च, आप कभी भी आओ तो यहाँ पे एक्सेस कर सकते हो। वन इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, यहाँ पे जो है ए बी और सी, वहाँ पे अगर आप मैं थोड़ा क्लोज जाऊँ तो ये जो है ना ये इंटरनेशनल बोर्डिंग गेट्स है, मतलब इंटरनेशनल जो भी फ्लाइट्स है आफ्टर इमिग्रेशन आप यहाँ पे अगर देखते आते हो तो ए बी सी ये इंटरनेशनल बोर्डिंग गेट्स है। और फ्रॉम डी टू एच ये जो है ये डोमेस्टिक बोर्डिंग गेट्स है, जे तक जो भी है सब डोमेस्टिक बोर्डिंग गेट्स हैं। ध्यान रखिए कभी भी आप आते हो तो ए टू सी इज़ इंटरनेशनल बोर्डिंग गेट्स एंड फ्रॉम डी टू जे इट्स डोमेस्टिक बोर्डिंग गेट्स। अनदर इम्पॉर्टेंट टिप, अगर आप गोवा से कहाँ पे अगर आप फ्लाई कर रहे हो तो रिमेंबर गो फर्स्ट या जो गो एयर है उसका पहला नाम था, और स्पाइस जेट के फ्लाइट जो है यहाँ से हमेशा डिले होते हैं, तो ऑलवेज गो विथ एनी अदर एयरलाइंस एक्सेप्ट स्पाइस जेट एंड गो एयर, हमेशा डिले रहते हैं। यह है मेरा बोर्डिंग गेट एच,
अभी फ़िलहाल बोर्डिंग के लिए एक घंटा अभी बाकी है। यहाँ पे कोई भीड़ भी नहीं है ज़्यादा। दिस इज़ ओवरऑल बोर्डिंग गेट्स एरिया। तो मैं यहाँ पे थोड़ा अभी रेस्ट करता हूँ, फिर बाद में मैं आपको इनसाइड द फ्लाइट दिखाऊंगा जो भी कवरेज मेरे से पॉसिबल है। क्योंकि गोवा का भी जो एयरपोर्ट है वो एक्चुअली डिफेंस बेस्ड एयरपोर्ट है, तो जितना मेरे से हो सकेगा इनसाइड फ्लाइट मैं आपको दिखाऊंगा। लेकिन हाँ, मैं फूड रिव्यू ज़रूर करूंगा, देखते आज फूड में क्या मिलता है विस्तारा में। आप मेरे पीछे देख सकते हो बोर्डिंग अभी स्टार्ट हो गया है। एक्चुअली 9:45 का बोर्डिंग टाइम था, लेकिन लगभग 20-25 मिनट बोर्डिंग लेट स्टार्ट हुआ है। आशा करता हूँ कि फ़्लाइट बॉम्बे पे टाइम पे पहुँच जाएगा। अभी मैं आपको मिलूँगा डायरेक्ट फ्लाइट में। तो फ्रेंड्स, अभी हम जा रहे हैं टूवर्ड्स आवर बोर्डिंग गेट, इट इज़ गेट नंबर 6। एक्चुअली फ्रॉम एंट्री इज़ फ्रॉम गेट H एंड बोर्डिंग गेट इज नंबर 6। यू कैन सी दिस इज़ आवर एयरक्राफ्ट। अभी शायद हम एरोब्रिज से अंदर जाएंगे, तो बाहर का मैं आपको मतलब बाहर से फ्लाइट नहीं दिखा पाऊँगा। फ्रेंड्स, यहाँ से थोड़ा सा फ्लाइट क्लोजली अगर आप देख सकते हो। तो फ्रेंड्स, दिस इज़ द एंट्रेंस फ्रॉम एरोब्रिज, बिजनेस क्लास। दिस इज़ द बिजनेस क्लास 2x। मुझे लगा था कि मेरा सीट जो है विंडो सीट है, लेकिन मुझे मिडल सीट मिला है। ओवरऑल एम्बियंस, नाउ दे हैव स्टार्टेड फॉर गिविंग डिनर। दिस इज ओवरऑल फ्लाइट एज कम्पेयर टू अदर मेन फ्लाइट्स। इस टाइम का जो सीट कम्फर्ट है ना, वो काफ़ी अच्छा रहता है, बहुत ही बढ़िया रहता है। इफ़ यू कंपेयर टू ऑल अदर एयरलाइंस इन इंडिया, ये जो एयरक्राफ्ट है तो एयरबस A320 है। मैंने एक बात हमेशा नोटिस की है, क्योंकि मैं काफ़ी सारे बार विस्टारा से ही ट्रैवल करता हूँ, इनके लगभग सभी एयरक्राफ्ट एयरबस के ही है। मैंने आज तक विस्टारा का कोई भी एयरक्राफ्ट बोइंग का देखा नहीं है। ये एक्चुअली सेफ्टी इंस्ट्रक्शन मैनुअल है। दिस इज विस्टारा वर्ल्ड मैनुअल। यहाँ पे उनका ओवरऑल सब उन्होंने इंफॉर्मेशन दिया है। विस्टारा वर्ल्ड यू कैन एक्सेस दिस इन एयरप्लेन मोड बाय यूजिंग वाईफाई। यू कैन एक्चुअली see the exact location of your aircraft. We receive our dinner. Actually dinner में है ये आचारी आलू पॉफ, उसके बाद ये है मसाला लेमन वाटर, ये मिनरल वाटर, दिस इज पिस्ता बादाम कुकीज, दिस इज रिफ्रेशिंग वाइब्स एंड दिस इज सॉस। एक्चुअली सर्व दिस इन डिनर। एक्चुअली कैसा है कि ये एक शॉर्ट टर्म फ्लाइट है, ओनली एक घंटे का फ्लाइट है, तो शायद उन्होंने ये डिनर अभी सर्व किया है। चलिए टेस्ट करते हैं, फिर मैं आपको बताता हूँ कि खाने में टेस्ट में कैसा है। सारी आलू पॉप टेस्ट इज़ रियली गुड, बहुत ही अच्छा टेस्ट है। दिस इज एक्चुअली चॉकलेट आलमंड कुकी विच दे सर्व, टेस्ट इज़ रियली गुड। This lemon ginger soda is also good. It is actually quite good for digestion. बहुत ही अच्छा digestion के लिए, और टेस्ट काफ़ी यूनिक है। एक्चुअली हमें फ्लाइट में बैठे हुए अभी नियर अबाउट 40 मिनट्स ही हुए हैं। उसमें मैं मानता हूँ ग्रुप मेम्बर को उन्होंने डिनर भी सर्व कर दिया, और एक्चुअली मुझे वो कप अच्छा लगा तो उन्होंने एक एक्स्ट्रा लिया, तो उन्होंने बहुत
हैप्पी ने मुझे दिया, वो बात मुझे बहुत अच्छी लगी। नाउ वी आर अप्रोचिंग फॉर लैंडिंग, तो विद इन 50 मिनट्स वी आर मीन्स अभी हम पहुँच रहे हैं मुंबई में। तो जितना थोड़ा 5-10 मिनट जो फ्लाइट लेट हो गया था वो उन्होंने कवर कर लिया, काफ़ी बढ़िया था, मुझे बहुत ही अच्छा लगा। और विस्टार का हमेशा खाना अच्छा ही रहता है, कुछ भी खाओ, ब्रेकफास्ट खाओ, लंच करो या डिनर करो, क्योंकि वो ताज कैटर्स प्रोवाइड करते हैं। तो एयर इंडिया और विस्टारा का खाना एक नंबर रहता है, आई लाइक इट। दिस इज़ इकोनॉमी, दिस इज़ प्रीमियम इकोनॉमी, बिजनेस क्लास। वी रीच एट मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट टर्मिनल 2। फ्लाइट का ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा था मैं अभी आपको बताता हूँ। अभी जो मेरा जो बैगेज है वो बेल्ट नंबर 1 पे आ रहा है, वो मैं पहले कलेक्ट करता हूँ, फिर मैं आपको ओवरऑल परफॉर्मेंस सब बताता हूँ। आप देख सकते हो मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट टर्मिनल 2, जो कि छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, उसका अराइवल जो सेक्शन है वो भी कितना सुंदर है, काफ़ी सुंदर है। यू कैन सी द ब्यूटी, डिज़ाइन काफ़ी बढ़िया है। जैसे आप मेरे पीछे देख सकते हो, ये है बेल्ट नंबर 1। मुंबई के एयरपोर्ट की खासियत यह है, मुझे बहुत ही अच्छा लगता है बाय डिज़ाइन, बाय एमिनिटीज़, बाय फीचर्स। अभी अराइवल सेक्शन भी है वो भी काफ़ी लग्जरियस है, आपको एक लाविश फीलिंग आपको देता है। अभी मैं मेरा बैग यहाँ से कलेक्ट करता हूँ और ओवरऑल एक्सपीरियंस मैं आपको बताना चाहूँगा। ओवरऑल फ्लाइट जर्नी वॉज काफ़ी गुड, एक्चुअली बहुत ही बढ़िया था। और लैंडिंग जो उन्होंने किया, बहुत ही स्मूथ लैंडिंग किया। जो उन्होंने डिनर सर्व किया, एक्चुअली 1 घंटे का फ्लाइट था तो उन्होंने मतलब उसके हिसाब से डिनर सर्व किया, लेकिन क्वालिटी बहुत ही अच्छा था। ओवरऑल क्रू मेंबर, स्टाफ मेंबर्स आर रियली गुड, और ओवरऑल सर्विस इज़ रियली गुड। आप सबसे मेरी एक रिक्वेस्ट है, क्योंकि मैं आप सबके लिए अलग अलग इंफॉर्मेशन वीडियो या फ्लाइट जर्नीस बनाते रहता हूँ, तो आपकी सपोर्ट की मुझे बहुत ज़रूरत है। अगर आपको मेरा ओवरऑल कंटेंट अच्छा लगता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आपसे एक बार फिर से मुलाकात होगी एक नए फ्लाइट जर्नी के साथ, उस टेस्टी उन विद ट्रैवल विद स्काई। बहुत ही जल्द मिलेंगे फिर एक नए ट्रैवल जर्नी के साथ। बाय बाय।